बचपन से ही मुझे गाय भैंसों में इंटरेस्ट था और मुझे जॉब लग गया तो मैंने एक 7-8 साल का एक्सपीरियंस लेके 2010-11 में मैंने मेरा खुद का डेयरी फार्म चालू कर दिया। थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो जाने की वजह से क्या होता था कि मैं सब मेरा डेटा मैनेज करता था। साइंटिफिकली एक ब्रीड डेवलप करने का ये मेरे मन में था, तो हमने ब्रीड डेवलपमेंट प्रोग्राम 3-4 साल से चला के रखा था। और सडनली एक दिन ऐसा हुआ हमारे फार्म में FMD हो गया। देखते ही देखते 2 महीने में मैंने आधे से ज़्यादा मेरे ज़्यादा जानवर मर गए। तो उसको स्टडी किया तो ये मालूम पड़ा मैंने जो वैक्सीनेशन किया था FMD का वो बराबर नहीं हुआ था। जब मैं सोचने लगा कि मेरे जैसा एक फार्मर जो पढ़ा लिखा है उसको डेयरी फार्मिंग करने में इतनी तकलीफ होती है तो एक साधारण किसान के लिए कितना बड़ा काम रहेगा। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जानवर जो है ये किसान भाई हमारे मैनेज करते हैं, मगर उनको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है जहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बेसिक नीड्स, जैसे गाय गाभिन है कि नहीं, वो दूध कितना दे रही है, उसका पेडिग्री। यहाँ तक कि किसान के पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट नहीं है कि वो बता पाए कि ये गाय उसकी है। इसके लिए मैं और मेरे पार्टनर ने 2016 से एक टेक्नोलॉजी में लगे। बेसिक IDs का फुल फॉर्म है एनिमल डिजिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टार्टिंग ऑफ करियर में एक स्टार्टअप पे काम करता था। उसके बाद मैंने सोचा कि ये मेरा जो नॉलेज है वो सोसाइटी के लिए कैसे यूज़ होगा। सुजीत से जब मेरी मुलाकात हुई 2016 में, उनका आइडिया बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं भी एक फार्मर बैकग्राउंड से हूँ और उनका जो आइडिया था हमारे जो फार्मर्स के जानवर हैं वो जानवर को हम कैसे मैनेज कर सके और कैसे अच्छी तरीके से ट्रीट कर सके। डेवलपमेंट होते होते हम आके पहुंचे बायोमेट्रिक्स पे। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट रहता है वैसे गाय के भी कुछ यूनिक पॉइंट्स रहते हैं, जैसे उसका कलर, शेप, साइज, उसका चेहरा, उसका एक डेटा सेट बनाया जाता है जो एक मैट्रिक्स बनती है जिससे एक गाय को लाइफ टाइम जन्म से लेके मरण तक उसका एक ही टैग हो जाता है। ह्यूमंस का फिंगरप्रिंट रहता है वैसे ही जानवर का हम मजल कोड स्कैन करते हैं और मजल कोड ये ऐसी चीज़ है कि जानवर के नाक के ऊपर ये ब्लैक कलर का पैटर्न रहता है। ये टेक्नोलॉजी हमने प्रोविजनल पेटेंट कराई है। जैसे कि हमारे ह्यूमंस का आधार कार्ड है वैसे ही हम जानवर का बना रहे हैं। आज अगर फार्मर के पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये जानवर उसको बिलोंग करता है। जो रोज का डेटा लगता है एक किसान को अपने जानवर मेंटेन करने के लिए, जैसे उसका वैक्सीनेशन रहे, जैसे उसका दूध का क्वांटिटी रहे, जैसे उसका पेडिग्री रिकॉर्डिंग रहे, महत्वपूर्ण किसानों के लिए होती है ड्राई पीरियड। अगर गाय हर साल एक बच्चा नहीं देगी तो उसका ड्राई पीरियड बढ़ते जाएगा। ये फॉलोअप्स को जो हम अलर्ट्स भेजते हैं उससे होता क्या है कि किसान अलर्ट हो जाता है कि भाई आज मुझे देखना है कि भाई ये वापस गाय हीट पे है या नहीं। ये टेक्नोलॉजी से क्या होगा, जो भी इंश्योरेंस करना है तो इंश्योरेंस के लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट मिलेगा। अगर फार्मर को कहाँ अपनी गाय बेचनी है, नहीं तो गाय को कहाँ पे लेके जाना है, तो ये डॉक्यूमेंट एक वैलिड डॉक्यूमेंट रहेगा। क्योंकि कान में बिल्ले के बेसिस पे आज इंश्योरेंस हो रहा है, तो वो जैसे ही गाय चरने जाती है, कहाँ बाहर निकल जाती है, तो होता क्या है कि वो कहाँ गिर जाता है, जब आप क्लेम करना चाहते हो तो आपको वो बिल्ला प्रोड्यूस करना पड़ता है। ये टैगिंग की वजह से होता क्या है कि आप सिर्फ गाय को स्कैन करो, उसको अपलोड करो, उससे इंश्योरेंस कंपनी भी सेफ रहती है कि भाई यही जानवर है जो क्लेम्स के लिए आए हैं, तो कान में बाली मारने का जरूरत अभी नहीं रहेगा। 5 साल का हमारी कंपनी का जो विजन है, भारत के हर गांव में पहुंचना चाहते हैं। सिर्फ हम गाय और भैंसे तरफ ना सीमित रख के हर एनिमल्स पे अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि अपने घोड़े हो गए, कुत्ते, बिल्ली, ये टेक्नोलॉजी उन पे भी हम एल्गोरिथम्स बना रहे हैं। हम महाराष्ट्र, UP और कर्नाटक, गोवा में काम करते हैं, वहाँ पे भी थोड़े डॉक्टर्स, थोड़े पैरावेट्स वो हमें मदद करते हैं। जाके सिर्फ डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको फार्मर का डिटेल जो भी है वो डालना है, अगर गौशाला है तो गौशाले का डिटेल डालिए, वहाँ पे आपके जानवर को रजिस्टर कीजिए विथ बायोमेट्रिक्स और उनके फोटोज और वीडियोस थोड़े डालने पड़ते हैं, तो ये 5 मिनट में आपकी गाय रजिस्टर्ड हो जाती है। हमारे कुछ किसान भाइयों का भी फीडबैक लेके हमने ये ऐप बनाया है, जो जिस किसी को भी व्हाट्सएप यूज करना आ सकता है वो ये ऐप यूज कर सकता है।